तो वही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी आज हिमाचल प्रदेश में 3 चुनावी रैलियां हैं। सुबह 11:40 पर दत्तनगर में रैली को नड्डा संबोधित करेंगे, तो दोपहर 1:40 पर जुब्बल में जेपी नड्डा की रैली होगी। इसके बाद वो रोहरू में दोपहर 3:30 चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस की रिवायत नहीं बदलेगी, वो सिर्फ ढर्रे पर काम करेगी, अभी भी कांग्रेस ने कुछ नहीं बदला। लेकिन उनकी रिवायत नहीं बदली है, वो उसी ढर्रे पर काम कर रहे हैं। और मैं उनकी पार्टी पर कमेंट करूं इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपकी स्टेयरिंग कमेटी में एक ही परिवार से 3 सदस्य होते हैं तो मुझे समझ में आता है कि अभी कुछ भी वहाँ बदला नहीं है, वहाँ वही है जो है और परिवार ही चला रहा है, अध्यक्ष कोई भी हो। तो वहीं जेपी नड्डा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात का दावा किया कि बीजेपी हिमाचल और गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश दूसरा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का गृह प्रदेश। हम हर चुनाव को सीरियसली ही लड़ते हैं और हर चुनाव को साख अपनी साख मानकर ही लड़ते हैं। ये चुनाव भी हम उसी तरीके से। नंबर अगर आप देना चाहें हिमाचल में कितनी सीटें बीजेपी? देखिए मैं 2-3 दिन बाद बताऊंगा, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल सरकार। गुजरात दोनों जगह हम कंफर्टेबल हैं, अच्छी सरकार बनाएंगे, एकतरफा सरकार बनाएंगे। प्रधान